जो पहले हमने वीडियो बनाई उसकी फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पर बॉन्स की, उसमें इस एरिया के अंदर डॉट्स कुछ लगाने हैं आपने और उसको लेबल कर देना है कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है। ये चीज़ थी जो कि पहली वीडियो में मिस हो गई थी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पॉन्स एट द लेवल ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लिया। ठीक है, उसी तरह करना है कि हमें सबसे पहले चाहिए एक मिड लाइन अपना ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करने के लिए। ट्रांसफर सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह लाइन लगाते हैं और फिर इसको यूँ ले आते हैं। ठीक है, नीचे जो है हमने बिल्कुल उसी तरह ये ड्रॉ किया और अब यहाँ पर इसको जो नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करना है उसको हम थोड़ा सा इस तरह करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऊपर से इसको ऐसे कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन बना है, इस पोर्शन के अंदर की जो सारी लेबलिंग वगैरह है वो उसी तरह रहती है जो कि फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पर थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बात की थी कि यहाँ पर ट्रांसफर स्पॉन्टाइन फाइबर्स होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह रहते हैं। हमने पॉन्टाइन न्यूक्लियाई की बात की, वो भी उसी तरह रहते हैं। ट्रांसफर स्पॉन्टाइन फाइबर्स थे इस तरह करके, जो रिवर का फ्लो था। पॉन्टाइन न्यूक्लियाई क्या था? डॉट्स के ब्रश बना रहे। तीसरी चीज़ थी स्पाइनो कॉर्टिकल और स्पाइनल न्यूक्लियर फाइबर के बंडल्स, जो कि इस तरह मोटे डॉट्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे। ठीक है, वो बंडल्स भी उस तरह रहते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ कर देने। ऊपर हमने हिल्स बना दिए हैं दो, जो ऊपर वाला इसका लाइन लगाइए तो उसके साथ इस तरह कर देना, ये दो हिल्स बन गए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो कैविटी है वो बना देंगे हम। कैविटी जो है इसको डबल लाइन करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ बना देनी है। ये तीन लेबलिंग सेम रही थी, ये लेबलिंग वहाँ पर थी MLF की, ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस की, तो ये भी यहाँ पर भी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस ही है। फिर से पिछले डायग्राम के अंदर और यहाँ पर हमने पता लगाया हुआ था कि भाई ये गार्डन का साइन है, तो इसकी भी और इसकी भी लेबलिंग ट्रेपेज़ॉइड बॉडी प्रेजेंट है या फिर जो मीडियल मेनिस्कस प्रेजेंट है, इसकी लेबलिंग भी सेम रहती है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है भाई? डिफरेंस हमारे पास ये आता है कि सुपीरियर पेडंकल ये है, पिछले में सुपीरियर पेडंकल यहाँ पर बस के जो ऊपर वाली लाइट थी हमने उससे कहा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सुपीरियर मेडलरी वैलम की लेबलिंग भी वही है। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन इधर भी प्रेजेंट है इसी लेवल पर। फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी की लेबलिंग भी हमने वहाँ पर की, यहाँ पर भी हमने बिल्कुल उससे उसी तरह आकर लेबल कर दिया। अब एक चीज़ रह गई है जो कि हमने इस डायग्राम में ड्रॉ नहीं की, अदरवाइज़ हमारी डायग्राम कंप्लीट है। वो चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पर दो सर्कल्स लगाने हैं, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर दो सर्कल्स लगाने हैं, इसके अंदर ऐसे करके इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है। ठीक है, साथ हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक सर्कल लगा देना है। अब इसको अगर हम लेबल करें तो ये दोनों चीज़ें जो साथ प्रेजेंट हैं, हमेशा से दो चीज़ें जो साथ थी उनको हम लेबलिंग के अंदर क्या वर्ड हम यूज़ करते थे? ट्राइजेमिनल का। तो ये भी ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है नर्व का, और ये ट्राइजेमिनल जो है उसकी रूट है। ठीक है, रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व इन द न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, दोनों। बस फर्क इतना है, सिर्फ इतना है कि ये वाली जो है ना, ये मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ये मोटर न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये बाहर वाला जो है सेंसरी न्यूक्लियस है, और ये सेंसरी रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है। ये सर्कल था, ये स्पाइनल लेमिनिस्कस है। ठीक है, तो इस डायग्राम की अगर हम एक बार रिवाइज़ करें, बातें देखें हमने क्या क्या चीज़ें ड्रॉ की हैं, तो भाई नीचे वाला जो दरिया वाला सब कुछ था सेम, पत्ते बनाए दरमियान में हमने वो लाइंस लगाई सेम, फोर्थ वेंट्रिकल वेलम सेम, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल पिछले में थोड़ी और जगह पर था, यहाँ पर थोड़ी उसकी जगह और है बट वहाँ पर भी था। यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर ये जो हमने ऊपर चीज़ें बनाई थी, MLF बनाया था, MLF भी प्रेजेंट है, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी प्रेजेंट है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसका सेंसरी मोटर न्यूक्लियस और रूट प्रेजेंट है, और इसके अलावा स्पाइनल लेमिनिस्कस प्रेजेंट है। दैट्स ऑल।